हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एआई की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, किसी भी ब्रांच इसके एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 13 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न PSU है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 496 है। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेके BSc पास किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके BBTEC में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्लास 12 तक इंग्लिश पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी IIT, IIM, XLRI और TISS रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से आपकी डिग्री पास आउट की हो तो ही इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपके BBTEC और BSc में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 27 ईयर्स तक रहा गया है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2023 से, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 30 नवंबर 2023। इसमें आप लोगों का पे स्केल E1 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 40,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 13 लाख पर एनम मिल जाएगी। उसके अलावा फाइनल ईयर कैंडिडेट्स वाले भी इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग CVT में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, और उसके साथ होगा वॉइस टेस्ट, उसके साथ साथ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोग इन सभी स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें किसी भी नेगेटिव मार्किंग यहीं पे नहीं रखा गया है। ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगी, और CVT के लिए एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें आप लोगों का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है, SC ST PWD। और जो लोग एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसके पहले 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है उन सभी के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही इसका कम्प्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।